पहले कहीं पढ़ी रीजनिंग? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से हो? बगरू? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये जो टॉपिक है रीजनिंग का, इसमें क्या आपको मैथ से संबंधित होगा? ये इसमें आपको नए नए क्वेश्चन आपने पढ़े हुए देखे होंगे। यानी सबसे मेन चीज़ पहले वो क्या करेगा, व्यक्तियों के हाथ मिलवाएगा। दो व्यक्ति होंगे आपस में, हाथ मिलवाएगा। एक कंडीशन ऐसी होगी आपस में दोनों व्यक्ति होंगे और गिफ्ट हुए, गिफ्ट उपहार देगा, देते नहीं देते। इसके बाद आपके खरगोश हुआ, चार पैरों वाले, छह पैरों वाले, कोई होता है क्या? छह पैर होते हैं किसी के? आठ पैर किसी के नहीं होते, किसके होते हैं? किसके होते हैं? केंकड़ा, केंकड़ा सुना है? आठ होते हैं, आठ होते हैं पैर। तो पैरों की गणना भी करेंगे इसमें। फिर होगा आपका बंदर, किसी खम्भा होगा, पोल होगा, बंदर चढ़ेगा, फिसलेगा, चढ़ेगा, तो उसके पूछ ये भी करना पड़ेगा कि कितने दिनों में चढ़ेगा। यानी कि सवाल इसमें अनसंट होंगे सवाल। तो ये आएगी कि इसमें आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, किसी शादी समारोह में शादी समारोह में दस व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हेलो, नमस्कार गुरु जी, क्लास में वो फ्री करता हूँ ना, 1:30 बजे क्लास ले रहा हूँ। एक दूसरे ने हाथ मिलाया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए 90। यानी सबसे मेन चीज़ क्या है, कोई शादी समारोह है, आपस में व्यक्ति हैं, हाथ मिलाते नहीं मिलाते हैं, हाथ मिला रहे हो, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो शादी समारोह में कुल व्यक्तियों ने कितनी बार हाथ मिलाए? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n n+1 पढ़ा है क्या? n यहाँ पर क्या है, अंतिम संख्या होगी या अंतिम हाथ हो सकते हैं टोटल। तो कितने व्यक्ति हैं? 10 × 10+1 90 कैसे आ रहा है? दस इंटू 11 कितना हो जाएगा? 110 बार। नोट करो सवाल को।
नहीं हो रही है। अगला सवाल लो। यदि किसी समारोह में 12 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 12। तो बताओ कुल व्यक्तियों ने कितनी बार हाथ मिलाए? तो फॉर्मूला है आपके पास n n प्लस वन, 12 इंटू 13 कितना? 136 कहने का मतलब जितने व्यक्ति होंगे उससे प्लस वन कर देना है। प्लस वन हम क्यों करते हैं? खुद व्यक्ति उसमें काउंट हो जाएगा। व्यक्ति कितने हैं टोटल? 12। 12 एक खुद हो जाएगा 13, तो 12 इंटू 13 बराबर 156 बार। अगला सवाल, यदि किसी शादी समारोह में 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया लेकिन एक व्यक्ति ने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। अब यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 में से एक किसी से भी हाथ नहीं मिला रहा है। 90। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो प्लस वन हो रहा है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी 10 व्यक्तियों से एक ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। तो 10 × 9 कितने हो गए? 90। ये चीज़ समझ में आई दोनों? एक में तो व्यक्ति खुद हाथ नहीं मिला रहा है, वहाँ माइनस करना है, और एक में हाथ मिला रहा है, तो 10 व्यक्ति टोटल हो गए। एक 11 में खुद हो जाएगा, तो 10 × 11 प्लस हो गया। एक में मना कर रहा है वो, एक व्यक्ति ऐसा है वो किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, तब वहाँ पर क्या करना है? माइनस कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन। दस व्यक्ति के समूह में प्रत्येक व्यक्तियों ने एक दूसरे को उपहार दिए भेंट किए तो कितने उपहार भेंट किए?
पहले तो मुझको बताओ, सवाल में कुछ अंतर है क्या? कुछ सवाल में कुछ अंतर है क्या? देखो, इसका जो फॉर्मूला है n n प्लस वन वाई टू, इसका फॉर्मूला क्या है? n n प्लस वन वाई टू व्यक्ति कितने हैं? 10, 10 प्लस वन वाई टू, 10 इंटू 11 वाई टू कितना हुआ? 5, 11 पन्ना 55, अब इसको अंतर समझो, अंतर क्या है दोनों क्वेश्चनों में? पहला जो क्वेश्चन कराया मैंने उसमें व्यक्ति हाथ मिला रहा था आपस में, मिला रहा नहीं मिला रहा था, तो पहला क्वेश्चन करवाया कि 10 व्यक्तियों के अलावा खुद 11 में खुद हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो 10 इंटू 11 आपका राइट आंसर 110 बार। सेकंड सवाल दिया कि व्यक्ति हैं 10 या 12, आपस में हाथ मिलाने के बाद एक व्यक्ति ऐसा दिया कि वो किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, तो मुझे बताओ क्या वो 10 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा क्या? नहीं मिलाएगा। तो 10 - 9 बराबर 90, 90 हो गया। तो ये फॉर्मूला में आपको बताया कि प्लस वन कब करना है कि एक खुद ऐड हो जाएगा, और माइनस वन कब करना है कि एक व्यक्ति मना कर रहा है, वो कि एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिला रहा है, तो 10 माइनस होंगे नहीं होंगे, तो माइनस हो जाएगा। अब इस सवाल में ध्यान दो, इसमें आपको करना क्या, कोई गिफ्ट हुई, कोई चीज़ देना, आपस में आदान प्रदान करना, तो उसका पहले फॉर्मूला क्या है? एन एन प्लस वन वाई टू, ठीक। अब यहाँ पर टू हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम आपस में दोनों व्यक्तियों को गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आ रही नहीं जा रही किसी दूसरे व्यक्ति को हाथ में, जा रही है। तो हमेशा ध्यान देना है कि यदि हम किसी को गिफ्ट दें तब तो टू लगा देना है, और यदि हम किसी से हाथ मिलाएं तो वहाँ पर टू नहीं लगाना है, क्योंकि सवाल कैसे सिमिलर टाइप के सवाल होते हैं कि दो कब लगाना है, दो कब नहीं लगाना है। तो सीधी बात, हाथ मिलाएं तब दो नहीं लगाना है, किसी चीज़ को गिफ्ट प्रदान करें, कोई चीज़ दें दूसरे को, तब क्या लगा देना है? टू लगा देना है, ठीक। एक सवाल और, यदि किसी समारोह में आठ व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे को भेंट प्रदान किए, तो बताओ कुल कितनी गिफ्ट या भेंट प्रदान की गई? नौ चौका 36, ठीक आ गया ना? व्यक्ति कितने? 8, एन एन प्लस वन वाई टू, 8 इंटू 8 प्लस वन वाई टू, 8 इंटू 9 अपॉन 2, 8 चौका 4, 9 चौका 36 भेंट। थर्टी सिक्स, ठीक है कि नहीं? अगला सवाल, यदि किसी समूह में दो पैर वाले कोष्ठों लिख दो मुर्गे, यदि किसी समूह में दो पैर वाले कोष्ठक मुर्गे
की संख्या 10 हो तथा चार पैर वाले कोष्टक में डाल दो गाय। की संख्या 8 हो आठ काट दो, क्या होगी यदि सिरों की संख्या 8 हो तथा दो पैर वाले निकालो। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड, यदि किसी समूह में यदि किसी समूह में चार पैर वाले घर से लाना है करके यदि किसी समूह में चार पैर वाले समूह में चार पैर वाले की संख्या 80 हो तथा दो पैर वाले के सिरों की संख्या 10 हो तो चार पैर वालों के सिरों की संख्या क्या होगी। देखो सेकंड सवाल है आपका, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समूह में चार पैर वाले और दूसरा है दो पैर वाले और मैंने बोला है कितनी है पैरों वाली संख्या कितनी होगी 80, दो पैर वाले कितने हैं 10, तो चार जो पैर वाले हैं उनके सिरों की संख्या क्या होगी, यानी कि टोटल कितने हैं 80 पैर हो गए, इसमें से दो पैर वाली संख्या कितनी दे दी मैंने 10 दे दी, तो जो चार पैर वाले हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, ज़्यादा पैर बराबर कुल टांगे अपॉन टू माइनस सिरों की संख्या देखो सबसे मेन चीज़ निकल के क्या आएगा, ज़्यादा पैर मतलब चार पैर वाले कुल टांग कितनी है 80 अपॉन टू माइनस
श्रृंग संज्ञा कितनी दे दी, 10। 40, 40 माइनस 10 कितना बच्चा, 30। ये निकल के आ गया आपके चार पैर वाले, ठीक। दो पैर वाले कितने हैं, 10। तो मुझे बताओ टोटल कितने थे वो, टोटल एक बार नोट कर दो। चार पैर वाले आगे 30 और दो पैर वाले कितने थे, 10। 30 और 10 40। अगला क्वेश्चन निकालो, खुद निकालो। यदि किसी समूह में दो पैर वाले सिरों की संख्या 100 हो, 100, यदि किसी समूह में दो पैर वाले जानवरों की संख्या 100 हो तथा सिरों की संख्या 20 हो, तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या 20 होगी। कितना आ रहा है, 30। हाँ कितना आ रहा है, 30। देखो ज़्यादा पैर, या इसको लिख सकते हैं चार पैर वाले, लिख सकते हो ना, यानी ज़्यादा पैर किस में होंगे, चार पैर वाले हो सकते हैं, आठ पैर वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुल टांग है अपॉन 2 माइनस सिरों की संख्या, तो कुल टांग कितनी है, 100 अपॉन 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 20। इसको 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30 जानवर। ये कौन से निकल के आ रहे हैं, चार पैर वाले, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं दो पैर वाले कितने, फिर 100 क्या, दो पैर वाले जानवर के नाम क्या, पैर हैं ये, पैरों की संख्या है? पैरों की संख्या है ये, पैर वाले जानवरों की संख्या। हाँ अब मैं पूछूं दो पैर वाले जानवर हैं ये, तो 30 तो कौन हो गए, चार पैरों वाले। अब दो पैर वाले कितने, तो मुझे बताओ 30 तो ये हो गए, सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 20। तो ये आपस में माइनस होगा तो कितने बचे, 10। तो हम कह सकते हैं कि दो पैर वाले कितने,
30 माइनस 20 बराबर 10। ज़्यादातर वो पूछता कौन सा है, चार पैर वाले निकालता है वो। यदि वो दो पैर वाले निकाल ले तो जो आंसर आएगा ना, वो आंसर और एक दे रखा होगा सिरों की संख्या, वो आपस में घटा देनी है। तो इसमें क्या दे रखा है, दो पैर वाले 30 माइनस 20 बराबर 10। तो दो आपने देखा था, दो पैर वाले जानवरों की संख्या पैर है, दो पैर वाले आ गए ना जी, दो पैर वाले 50 हो गए और ये 20 है, तो 20 तो ये चीज़ समझ में आई। यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कौन सा आ रहा है, वो ज़्यादा पैर चार जानवर वाले ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो सीधा फार्मूला है कि फार्मूला में फिट करो, 30 आ गया, 30 आ गया। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है दो पैर वाले, दो पैर वाले, तो यहाँ पर 30 तो ये आ गया निकल के। अब बच्चे कितने हैं, वो 20 ही दे रखें, तो 20 में से ये आपस में घट जाएगा तो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कौन से आ गए, दो पैर वाले आ गया। एक सवाल और, यदि किसी खंभे पर, यदि किसी खंभे या पोल पर, पोल खंभा, यदि किसी खंभे पर पोल पर बंदर 40 फीट ऊंचे खंभे पर दो फीट नीचे फिसलता है तथा एक फीट ऊपर चढ़ता हो, तो खंभे पर कितने दिनों में चढ़ जाएगा, ऑप्शन दे रहा हूं 40, 37, 36, 41। ऑप्शन है 40, 37, 36, 41। कैसे, मेरे साथ चलेगा नहीं, वो दो फीट चढ़ रहा है, एक फीट चढ़ा, दो फीट नीचे आ रहा है, तो नीचे रहेगा वो। सही दिमाग लगा रहा है। क्या आ रहा है निकल के, 37। आपका क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो सवाल समझो पहले क्या है, कोई खम्मा है और कितने का है ये,
40 फीट ऊंचा खम्बा है और जो बंदर है वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। तो एक चीज़ तो मुझको बताओ, 40 फीट है तो ये मत करना कि सर 40 दिन में चढ़ेगा, वो बाकायदा लिखा हुआ है उसने 40 फीट ऊंचे खम्बे पर 2 फीट नीचे फिसलता है, तो उसने सबसे पहले 2 फीट की छलांग लगाई होगी, है कि नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ पर चढ़ा होगा, है कि नहीं। अब ये कितना बचा खम्बा, 38 का बचा। तो हमेशा याद रखना है जो छलांग लगाएगा पहले वो माइनस कर देना है, तो 40 माइनस 2 कितना हो गया, 38 फीट, ठीक। अब सवाल पर ध्यान देना है, 2 फीट तो नीचे फिसलता है और 1 फीट ऊपर चढ़ता है, तो चढ़ा कितना फिर वो, एक भाई 2 फुट नीचे फिसल रहा है, 1 फुट चढ़ रहा है, तो चढ़ कितना रहा है वो, 1 फुट चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। तो मुझे बताओ इसमें दिन कितने हैं, फुट 38, 1 फुट चढ़ रहा हो तो मुझे बताओ कितने दिन चढ़ेगा वो, 38 दिन में चढ़ेगा वो, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि पर डे कितना चढ़ेगा, एक फुट चढ़ेगा ना, चढ़ेगा चढ़ेगा। अब मुझको तो यहाँ पर 37 का हो गया, ठीक। जैसे वो 37 पे से छलांग लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो क्या वो वापस फिसलेगा क्या, नहीं फिसलेगा ना, वो टॉप पर आ गया भाई, 37 फुट तो सीधे हो गए। जैसे 37 से 38 में छलांग लगाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो बैठेगा नहीं बैठेगा इस पर, अब बैठ तो गया, अब फिसल थोड़ी रहा है, उस फिसलने की वजह से आपका राइट आंसर आएगा 37। यदि तो फिसल जाता तो 38 होता सीधा वो, तो आंसर क्या होगा, 37। ये ध्यान रखना है, जैसे वो जंप लगाएगा तो 37 में चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा ऊपर, वो नीचे थोड़ी फिसलेगा वो एक फुट, वो तो आंसर आएगा 37। रिस्का समझ में आया, कोई चीज़ या खम्मा है पर डे एक एक फुट चढ़ रहा है, तो 37 दिन में 37 फुट चढ़ गया, और 37 पैसे सीधे 38 में छलांग लगाएगा तो सीधे बैठ चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा इस पर, अब वो नीचे पिसल थोड़ी रहा है, पिसलेगा नहीं, तो अब क्या आएगा वो 38 ना होते हुए आंसर क्या आएगा, 37। ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 40, 37, 36, 41। अब क्वेश्चन खुद करना है आपको, निकालो आंसर, लिख दो 37। एक और निकालो, यदि किसी खम्भे पर बंदर पचास फीट खम्बे पर 5 फीट ऊपर चढ़ता है तथा चार फीट नीचे फिसलता है, तो कितने दिनों में बंदर खम्बे पर चढ़ जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला है 45, सेकंड है 40, अगला है 47, अगला है 48 और पांचवा है नन ऑफ दीज।
40 40 ऑप्शन 39 का है इसमें। देखो लंबा कितना खम्मा है, 50 फिट। 50 फिट में पहले छलांग लगा रहा है वो कितने की, 5 फिट की, तो खम्मा कितना हो गया, वो 45 फिट का हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 फिट ऊपर चढ़ता है और 4 फिट नीचे फिसलता है, तो चढ़ कितना आ रहा है वो, एक फिट। ठीक, तो 45 दिन तो सीधे 45 फिट में चढ़ जाएगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, फिर वो 46वीं छलांग लगाएगा तो नीचे कूदेगा क्या वो, अरे कूदेगा क्या भाई, यहाँ तक पहली छलांग लगाई 5 फिट की। ठीक, अब ये खम्बा कितना हो गया, 45 फिट का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब वो बोल रहा है क्या है, 5 फिट तो ऊपर चढ़ रहा है और 4 फिट नीचे फिसल रहा है, तो मैं वजह बताओ एक दिन में चढ़ा कितना है वो, 1 फिट ही चढ़ रहा है ऊपर, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो 45 फिट तो कितना चढ़ जाएगा, 45 इतना चढ़ेगा। जैसे वो 46वीं छलांग लगाएगा यहाँ से इस पर, क्या वो नीचे कूदेगा क्या, नहीं कूदेगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45। ये ध्यान देना, नीचे लिख दो आंसर 45, क्योंकि इसमें जो मेन जो रीज़न है वो छलांग का ही खेल है भाई। आप किसी चढ़ जाओगे तो नीचे थोड़ी कूदोगे, उसमें बैठ गए उस पर आके, जैसे ये वाला खम्मा है इसमें आप 45 दिन चढ़ गए बैठ गए जगह पर, अब फिसलेगा थोड़ी वो, कि हमको तो यहाँ बिठाने तो है, खम्भे पर चढ़े कितने दिन हो जाएगा, वो चढ़ गया 45 दिन में। अगला क्वेश्चन, यदि 1 से 100 तक गिनतियों में पांच का अंक, 1 से 100 तक गिनतियों में 5 का अंक कुल कितनी बार आएगा। अब इसमें करना क्या है, 1 से 100 तक गिनतियां हैं, इसमें जो 5 का अंक है वो कुल कितनी बार आता है, 9 बार 10 बार। अरे वाह, देखो सबसे 5, ठीक, एक कौन सा आ जाएगा, 15 आएगा नहीं आएगा, फिर उसके बाद बताओ 25 35, फिर 50 51 52 53 54 55 56 क्या है वो? अब कॉल आ रहा है। अच्छा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आंसर लिख दो, 19 बार। कितनी बार आएगा, 5 बार 19 बार।